हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल A1 इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं आपका दोस्त SK। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार से पांच मशीनों की इन्फॉर्मेशन लाया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं चार से पांच मशीनों के बारे में। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और वीडियो में बताने वाला हूं कौन कौन सी ये मशीन आपको होने वाली है और किस तरह से वर्क करने वाली है। तो आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और जो बंदे नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी मशीनें आप ले सकते हैं और किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको नीचे लाल कलर का बटन नजर आ रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई नई मशीनों की मालूमात लाऊं या कोई बिजनेस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लाऊं तो मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख सके, आप सबसे पहले जानकारी हासिल कर सके। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बताना चाहूँगा मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी मशीनें दिखाना चाह रहा हूँ जिसे आप अपने घर में लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बात करते हैं पेपर डोना की, तो ये आपकी रिंकल वाली प्लेट्स बनाती है। इसमें आपकी 12 इंच की ऐसे करके केक वगैरह जो खाते हैं, जो भी बनाते हैं, इस टाइप की बन जाती हैं। फिर बात करते हैं आपको, ये पेपर डोना की कहलाएगी। इसमें आपके 6 रोल वगैरह लग जाती हैं, आपको इसमें केक वगैरह की और आपके राइस वगैरह की प्लेट्स बना सकते हैं। बात करते हैं फिर आपकी दूसरी मशीन आ जाती है, ये आपकी कैम्फर टैबलेट की आ जाती है। इसमें आपकी कपूर की गोलियाँ बनती हैं, जैसे आप पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। इसमें आपके ये 4 हेड में आ जाती है, इसमें आपकी कपूर की टैबलेट बनती हैं। बात करते हैं फिर, आइए मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपकी पेपर नैपकिन की मशीन है। इसमें आपके नैपकिन बनते हैं इस तरीके के, जो आपके शादी फंक्शन पार्टी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर आप बात करता हूँ आपके, सर ये पेपर नैपकिन मशीन देखिए इस तरीके से रहती है, ये बहुत इजीली वर्क करती है। ये आपके सिंगल फेस पे चल जाती है, इसे भी लगाकर आप अच्छा खासा घर में लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल की, ये भी रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। देखिए ये मशीन दिखने में ऐसी होती है, इस तरीके से पूरी मशीन की आ जाती है। आपके करीब 15x10x15 में या 15x20 की स्पेस इसके लिए काफ़ी रहती है। ये सिंगल फेस का है, आपको भी बहुत ही बढ़िया बिजनेस रहता है। आइए अब बात करते हैं दूसरी मशीन की, नमकीन का। आपका नमकीन का आ जाएगा, इसमें आप जो है एक आपका एक्सट्रूडर हो जाता है, ठीक है, एक मल्ली हो जाती है, इस टाइप से कि मशीन का प्लांट रहता है। इसमें भी लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आपकी सेलो टेप की, ठीक है। सेलो टेप की कुछ मशीन ऐसी होती हैं कि सेलो टेप के कटर होते हैं आपके, कि बड़े बड़े रोल आते हैं, उनको आप इसमें लगाकर अपने साइज़ के जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उस साइज़ के रोल वगैरह, टेप, सेलो टेप वगैरह बनाकर मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपकी, ये आपकी आ गई एल्युमिनियम फॉइल बनाने वाली, जो घर में किचन में यूज़ होता है प्रॉपर, ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होने वाला है ये किचन फॉइल, जो है फॉइल आप बना सकते हैं इस मशीन से। ये लगाकर भी आप काफ़ी सारा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं फिर आलू चिप्स मशीन की, तो दिखाना चाहूँगा कि आलू चिप्स मशीन का आ जाएगा आपका। इसमें आप आलू को धोकर छीलकर आपके चिप्स तैयार हो जाती है, इसे आप लगाकर फिर से पाउच पैकिंग में पैक करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और लो बजट में से लगाने का बहुत बढ़िया रहता है सर। बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी थर्माकोल, आपके प्लास्टिक के जो भी होते हैं आप डिस्पोजेबल आइटम जो बनाती हैं, उसमें आप लोग कोई भी चीज़ खाते हैं वगैरह, उसमें पत्तल, दोना, थाली, प्लास्टिक का सब इसमें बन जाता है। ये भी आप लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। आपको मैं और भी बिजनेस बताना चाहूँगा, इसमें जो है आपका आप थर्माकोल की प्लेट्स वगैरह हो गई, जैसी आपकी डाई होगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वो बना सकते हैं, ठीक है। इसमें पत्तल, दोना, थाली, जैसे भी आप चाहें, प्लास्टिक में चाह रहे हैं तो प्लास्टिक में बनाइए, फाइबर में चाह रहे हैं तो फाइबर में बनाइए। इसकी ये डाई इस तरीके से कुछ रहती हैं, ये भी आपका बहुत बढ़िया बिजनेस रहता है। इसे आप लगाकर काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा घर से ही कमा सकते हैं मार्केट में सेल आउट करके, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं ये थर्माकोल की मशीन है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है दोस्तों। ये भी अच्छा बिजनेस माना गया है, आप अपने घर से स्टार्ट कर सकती हैं।
स्माइल करके, बहुत बढ़िया। दोस्तों बताना चाहूँगा, अब नेक्स्ट मशीन पे हम लोग आती हैं, ये नॉन वोवन की मशीन है। अब प्लास्टिक जब से बैन हुआ है तो इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है मार्केट में, सब्जी की दुकानों पर, गारमेंट शॉप पर इसका ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। मोस्टली ज़्यादातर गारमेंट्स वाले और शॉप्स कीपर इसको रख रहे हैं। इसे लगाकर भी आप अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। इसमें भी आपकी सब तरीके की मशीनें आती हैं, ऑटोमेटिक आएगी, मैनुअल आएगी। इसमें आप दोनों तरीक़ों की मशीनों को लगा कर काफ़ी सारा मुनाफा कमा सकते हैं घर पर ही लगाकर। इसमें ये तीन मशीनें रहती हैं और मैनुअल वाली में आपकी ये तीन आ जाएंगी, एक अल्ट्रासोनिक सीलिंग मशीन, डी कट आ जाएगा, पंचिंग मशीन आ जाएगी। इसे आप घर पर बहुत इजीली यूज़ कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो और बताना चाहूँगा, इसका ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। इसमें आप जो है हैवी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे। फिर बात करें आपकी दोस्तों वायर नेल की, तो वायर नेल का भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा माना गया है। इसे भी घर में लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई सी भी साइज़ की कील जो आप चाह रहे हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कील बना सकते हैं। उसी साइज़ की आप मशीन परचेज करके उस साइज़ की कील बना सकती हैं। तो ये दोस्तों ये भी अच्छा रहता है, ये भी बिज़नेस अच्छा रहता है। इसमें यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल HV वायर नाम से यूज़ होता है, ठीक है। इसमें HV वायर से आप कील बना लेते हैं, कील बनकर आपकी तैयार हो जाती है, फिर आप उसे मार्केट में सेल कर देते हैं। फिर बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग की, तो जैसे दोस्तों कुछ इस तरीके से होती है। इसमें आप प्लास्टिक का कोई भी आइटम 200 ग्राम का या कोई सा भी आप जैसा भी बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकती हैं और मार्केट में सेल आउट कर सकती हैं। तो दोस्तों ये भी मशीन अच्छी मानी जाती है, इसे भी मशीन को आप लगाकर अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मशीन दिखने में कुछ ऐसी होती है, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाती है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में आपको कंडिया दिख रही है कि इसी इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाकर तैयार की गई है दोस्तों। तो ये मशीन भी काफ़ी अच्छी मशीन मानी गई है, इसे लगाकर भी आप अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। ये इसका आपका रॉ मटेरियल का हो गया। इसमें इस तरीके का दाना यूज़ होता है दोस्तों, ये आपको मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और आप इससे, इस दाने से आप अपना जो भी आप प्लास्टिक का आइटम बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं, जैसा आपका मोल्ड होगा दोस्तों। तो ये बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा बिज़नेस रहता है, आप इसे लगाकर काफ़ी सारा मुनाफा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रकार का बिज़नेस इसमें से पसंद आ रहा है तो आपको डायरेक्ट कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नंबर दे दिए जाएंगे, बाकी नंबर आपको स्क्रीन पर चलते हुए मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्ट कंपनी के नंबर पर कॉल करके या कंपनी के पते पर विजिट करके इन मशीनों को लाइव देख सकते हो और आप इनके प्राइस भी जान सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो मशीनरी के बारे में तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करोगे आप और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे चैनल से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी फिर किसी वीडियो में और मुलाकात होगी किसी और नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।